अच्छी थी. द बेस्ट पार्ट वॉज द कॉमेडी ऑफ द मूवी. इट वॉज सो एन्जॉयिंग. आई लव्ड इट. अच्छी थी, बहुत अच्छी लगी. सीन्स बहुत अच्छे थे, स्पेशली जो हॉस्पिटल जो उन लोग का हिकी और वो वाला सीन था, बहुत अच्छा लगा. अमेजिंग. द बेस्ट पार्ट ऑफ द फिल्म इज व्हेन अनमोल एंड दीज गाइस सिट इन एंड थिंक हाउ दे कलेक्ट मनी एंड स्टफ. मैं जो बोल रहे थे ना, लाइक वो जो पुलिस आए ना, फिर बोले क्या ऐसा वो वाला चल रहा. लाइक मतलब बहुत बार देख सकते हैं, मतलब कभी घंटाला नहीं आएगा ऐसे. सही तो लास्ट अच्छी थी. आई लाइक एवरीथिंग. एक्चुअली आई डांस ऑन इट. इट वॉज जस्ट ऑसम. द पार्ट वेयर लास्ट वाला पार्ट बेस्ट था. इट वॉज ऑसम. इट वॉज ऑसम. अमेजिंग. ये बहुत बार मस्त. वो जो पार्ट था ना जिसके अंदर उन लोग ने घर के अंदर पूरा फ्लड आ गया था, तो सारा नोट पूरा ऐसे सुखाने को डाले थे, वो मस्त था. कि ऐसे मतलब हम लोग भूल गए थे, वो मेमोरी ऐसे याद आ गया कि ऐसा हुआ था एक टाइम पर. एक्टिंग तो बेस्ट ही था ना. बेस्ट एक्टर. म्यूजिक हाँ अच्छा था. सॉन्ग बहुत अच्छी मूवी थी. वो जो नोट सुखाने का जो आइडिया था जब गीला हो गए थे, वो बहुत ही अच्छा था. पूरी मूवी बहुत बढ़िया थी. म्यूज़िक बहुत अच्छा ही से लग गई. सॉन्ग है जैसे लोगों ने प्रमोट किया, आर्टिस्ट आए थे, बहुत अच्छे हैं सारे आर्टिस्ट. सॉन्ग बहुत ही अच्छा है, लिरिक्स बहुत अच्छे हैं. नहीं ऐसे तो नहीं, जैसे ये लोग बता रहे मूवी तो वैसे तो नहीं, बट हाँ छोटा छोटा होता रहता है. बहुत अच्छी की है एक्चुअल. वो जो मेमोरीज है वो याद आ गया उनको देख के. बहुत अच्छा किया है. हाँ आई तब तो छोटे देते याद नहीं है, बट हाँ रात को जब अनाउंस होता था तब याद है. 4.5. इट वॉज रियली मतलब बहुत कॉमेडी मूवी थी. एंड द बेस्ट थिंग वॉज कि उस टाइम पर 2016 में जब ये डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तब इतना लोग टेंस थे, बट उसमें से ऐसा मूवी इतना मतलब क्रिएटिविटी. एक्चुअली रियली आई लाइक डिट. एंड या और बहुत ही कॉमेडी मूवी थी. द बेस्ट सीन वॉज वेन एवर जब भी काजी को लाइक दे वर कमिंग टू गिव देम 3rd degree टॉर्चर और समथिंग ना, तो वो इन लोग आ जाते थे सब फ्रेंड्स, फिर अमोल एंड ऑल. और उसके बाद अरे यार लाइक द दैट सीन वाज रियली लाइक बहुत फनी था. एंड या आई लाइक्ड इट. एक्टिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक्टिंग तो बहुत अच्छी थी. एक्टिंग बहुत अच्छी थी. अमोल का रोल काफ़ी मतलब अच्छा लगा मुझे. और नेहा का एक्चुअली द बेस्ट रोल. ऐसा सभी लोग ने अच्छी एक्टिंग की, बट नेहा वॉज वन ऑफ माई फेवरेट. एंड या क्या 5 में से कितने स्टार दें? 5 अगर मैं ज़्यादा दे सकता हूँ तो 7-8 दे दूँ. अच्छा, 10 दे दूँ. गाना भी लॉन्च हुआ, लग गई इसके वजह से? लग गई एक्चुअली. या इट वाज रियली नाइस. और बहुत अच्छा था गाना. जीवन में आपकी लगी है? लगी हाँ लगी है, लगी रही है. द पिक्चर वॉज वेरी नाइस, फुल ऑफ कॉमेडी, फुल ऑफ ड्रामा, इमोशनल सब था उसमें A to Z. और उसमें एक चीज़ मेरे को बड़ा प्यारा लगा, जब वो जेल के अंदर थे तब वो आचार्य के बारे में बात कर रहे थे, और आचार्य ने हमेशा कान काटने की बात करता था, तो फिर गुलाटी ने बोला कि पहले तो कान काटेगा फिर जान. तो फिर वही डायलॉग चलते रहा पूरे जेल में, पहले कान फिर जान. फिर जो सो रहा था ना बंदा जेल में, उसने भी फिर सोते सोते वही डायलॉग बोला कि पहले कान फिर जान. बहुत इंटरेस्टिंग है. सो मैं सब लोग को वही बोलना चाहूँगा कि सब लोग जाके
प्लीज़ 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 कैश मूवी देखें, हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमने भी देख चुके हैं, पूरी मूवी देखी है और बहुत सही मूवी है एकदम। मेरी तो यादें ताज़ा हुई है बिकॉज जब नोटबंदी हुई थी वही दिन मेरे मम्मी ने फोन लिया था और अगली सुबह हम लोग को पता चला कि नोटबंदी हो गई, तो हम लोग इतने खुश हुए थे क्योंकि उसके एक दिन पहले ही हमने सब खरीदी कर ली थी।